चाहिए। इतनी मेहनत से मत पकड़ो। हेलो फिफ्थ क्लास, तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं उसका नाम है मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। देर आर सो मैनी थिंग्स दैट कैन डू ऑन अ कंप्यूटर सच एज रीड आर्टिकल्स एंड बुक्स, वॉच वीडियोज एंड मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड प्ले गेम्स। अ कंप्यूटर कैन गिव यू डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। ईच ऑफ दिस इज कॉल्ड अ मीडियम। मतलब हम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे गेम्स खेलना, म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना, अपने और सारे काम करना। तो जो कंप्यूटर है वो हमें जो हमारा डाटा होता है वो अलग अलग तरीके से देता है। कभी टेक्स्ट के जरिए देता है, कभी पिक्चर्स होती है, एनिमेशन होती है, ऑडियो होती है, वीडियोज होती है। तो ये सारे क्या है, ये मीडियम है किसी बात को हम तक पहुँचाने का। अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया डिजिटल मीडिया यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन अट्रैक्टिव मैनर इज़ नो एज मल्टीमीडिया। इसी तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन को, अलग अलग चीज़ों को हम तक पहुँचाने का जो तरीका है उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। अब पहला है यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया के क्या यूज़ है। तो पहला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, मल्टीमीडिया प्ले अ ग्रेट एंड तो एडवर्टाइजिंग में मल्टीमीडिया कैसे यूज़ में आता है। एज वॉट एवर इज द वेदर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट, दे फर्स्ट आर प्रिपेयर्ड ऑन द कंप्यूटर बाई यूजिंग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एंड देन इट इज़ ग्रोथ इन फ्रंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस। जैसे कि आपने देखा किसी चीज़ का जब हमें एडवर्टाइज करना होता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसका जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो पहले क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उनको उस एडवर्टाइजमेंट देनी होती है उसे पहले वो तैयार करते हैं कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके बाद उसे ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। जैसे आप देखते हो ना टीवी देखते हो, उसमें किन किन चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे खाने की चीज़ों के आते हैं और कपड़ों के आते हैं और बहुत सारी तरह की चीज़ों के आते हैं। तो मल्टीमीडिया उसमें भी काम आता है ताकि वो अपनी बात को अलग अलग लोगों तक पहुँचा सके आसानी से। अब अगला है कि मल्टीमीडिया एजुकेशन सेक्टर में कैसे काम करता है, मतलब पढ़ाई के उसमें कैसे काम में आता है। इन द एरिया ऑफ एजुकेशन टू द मल्टीमीडिया हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। आज के टाइम में जहाँ पे कि कंप्यूटर और ये सब चीज़ें, इंटरनेट ये सब इतना यूज़फुल है, बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे जो मल्टीमीडिया है वो बहुत ज़्यादा काम में आता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि आपकी जो सारी पढ़ाई है वो किसके ज़रिए हो रही है, इसके ऑनलाइन हो रही है, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन की जा रही है। तो जो मल्टीमीडिया है उसका बहुत अहम रोल है आज के टाइम पे एजुकेशन सेक्टर में। इन स्कूल देयर यूज ऑफ हैज़ अ सिग्निफाइंग रोल टू प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। इट इज़ बोर्डली यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वी यूज ऑडियो और ऑपरेटिंग एजुकेशन इवन इन ट्रेडिशनल मेथड वेयर चार्ट्स, मॉडल्स एक्सेट्रा आर यूज। जैसे आपके स्कूल में आपकी, जैसे आप लोग के स्कूल में आपकी स्मार्ट क्लास होती थी ना, कि किसी टॉपिक को अगर आपको समझाना है तो कैसे आप, हम उसको इस पर समझ स्मार्ट क्लास में समझते थे ना, ताकि हर टॉपिक जो है वो हमारा क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार हमें चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा सुन के और देखने से ज़्यादा समझ में आती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो, मल्टीमीडिया है वो हमारी हेल्प करता है। अगला है आपका मास मीडिया। मास मीडिया क्या है, इट इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया जर्नलिज्म इन अ वेरियस पेजेस, सॉरी मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर दैट आर पब्लिश। मास मीडिया क्या है, मास मीडिया है कि जो आपका जो जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन आता है, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सारे किस में आते हैं, आपके आपके मल्टीमीडिया में आते हैं, ठीक है। तो सॉरी मास मीडिया में आते हैं, इन्हें हम कहते हैं मास मीडिया। द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया प्ले इन अ वाइटल रोल इन अ पब्लिकेशन हाउस एज देयर आर मैनी वर्क्स ऑफ न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग एंड अदर स्टाफ ऑल्सो। तो ये सारे जितने भी आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब जो छपते हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके मास मीडिया में। अब अगला है आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन। इन मैनी कंपनीज प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू बिजनेस प्रोफेशनल्स इन अ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एप्लीकेशन आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग ग्रेट लुकिंग प्रेजेंटेशन एंड थ्रू मल्टीमीडिया दीज एप्लीकेशन विल बी बिकम इवन बेटर एंड मोर इफेक्टिव। प्रेजेंटेशन के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे कि पावर पॉइंट पढ़ते हो ना, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो ज़्यादातर बिजनेस में आजकल यूज़ की जाती है ताकि लोगों को अच्छे से ये समझाया जा सके कि जिस चीज़, जिस कंपनी में भी जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं या कोई भी चीज़ वो बना रहे हैं उसको वो अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। तो मल्टीमीडिया जो है, पहले से बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके पे जाके हम अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे एक आप पढ़ते हो कि एमएस पावर पॉइंट, उसी तरीके से और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनमें मल्टीमीडिया टूल्स का यूज़ करके, जैसे ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, चार्ट्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी बात को और अच्छे से समझा सकते हो और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हो। अब अगला है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में मल्टीमीडिया कैसे काम करता है। तो मल्टीमीडिया हैड अ वाइड एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इट इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग ऑडियो सेंडिंग मैसेज एंड फॉर्मेटेड मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन लाइव इंटरेक्शन थ्रू ऑडियो मैसेज एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हाइपर मीडिया इट रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट कैन बी अरेंज एट एनी मोमेंट इवन इन इमरजेंसीज। तो ये होता है कि जब अब मल्टी मीडिया के आने से आपको ये हेल्प हो गई कि जो आपका टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। अगर आपको किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है तो आप अगर कॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, ऑडियो मैसेज डाल दिया या डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लिया, वीडियो कॉल से इंटरेक्शन कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मल्टी मीडिया के आने से हमारे यहाँ आसान हो गई हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ यूजफुल फॉर सर्जन एज दे कैन इमेज क्रिएटेड फ्रॉम इमेजिन स्कैन ऑफ ह्यूमन बॉडी टू पार्टिसिपेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोड्यूसर्स सच एज ब्रेन रिमूवल एंड। तो अगला जो है आप, और जो आज के टाइम पे जो डॉक्टर्स जो अपने डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे सर्जरीज में, अब बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं बॉडी को स्कैन कर लेते हैं और उसके अंदर जो उनको प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में उन्हें बहुत आसानी आती है कि किस बीमारी, जैसे अभी आपका चल रहा है ना कोरोना आपका चल रहा है, उसकी वैक्सीन बनाने में, तो इन सब चीज़ों में बहुत काम आता है कि कैसे उस चीज़ को दूर किया जा सकता है। अब अगला है आपका कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कि मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। टेक्स्ट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। मल्टीमीडिया टेक्स्ट इज मोस्टली यूज्ड फॉर टाइटल हेडलाइंस मेन्यू एक्सेट्रा। द मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर फॉर व्यूइंग टेक्स्ट फाइल आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोटपैड वर्ड मोस्टली द फर्स्ट द टेक्स्ट फाइल आर फॉर्मेटेड विद डॉक्स एंड टेक्स्ट एक्सटेंशंस। तो ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो मेथड है वो है टेक्स्ट, कुछ लिखना, किसी भी चीज़ को लिख के जो है ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाइटल्स होते हैं, हेडलाइंस होती हैं। इसके लिए ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और नोटपैड। सबसे कॉमन जो यूज़ किया जाता है वो टेक्स्ट होता है, किसी चीज़ को लिख कर दूसरों तक पहुँचाना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला है ऑडियो। इन मल्टी मीडिया ऑडियो मीन्स रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग प्लेइंग एक्सेट्रा। ऑडियो इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मल्टी मीडिया बिकॉज दिस कॉम्पोनेंट इंक्रीज द अंडरस्टैंड एबिलिटी एंड इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। ऑडियो इंक्लूड स्पीच म्यूजिक एक्सेट्रा। तो जो ऑडियो का प्रोसेस है, ऑडियो से क्या होता है चीज़ों को आप और अच्छे से समझा सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं और जब हम कुछ सुनते हैं तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ने के टाइम ये हो सकता है कि हमसे कभी एक लाइन स्किप हो गई या दो लाइनें स्किप हो गई, लेकिन जब हम उस चीज़ को सुनते हैं और उस चीज़ को जब ज़्यादा देर तक सुनते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ऑडियो के अंदर आप क्या होता है, आप स्पीच भी इंक्लूड कर सकते हो, म्यूज़िक भी इंक्लूड कर सकते हो, ऑडियो में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमेजेस। एवरी मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन ग्राफिक। द यूज़ ऑफ ग्राफिक इज़ मल्टी मीडिया मेक द कॉन्सेप्ट मोर इफेक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। द कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर फॉर व्यूइंग ग्राफिक आर विंडोज पिक्चर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। तो जहाँ तक है इमेजेस की बात, तो पहले हमने पढ़ा टेक्स्ट ऑडियो कि किसी चीज़ को लिखने से समझ में आता है, फिर उसको सुनने से। लेकिन जहाँ बात है इमेजेस की, अब आप कोई चीज़ कोई बुक पढ़ रहे हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर उसमें उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ होंगी या कुछ होगा तो वो उससे आपको और जल्दी समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छा होता है चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वीडियो। वीडियो मीन्स मूविंग पिक्चर विद साउंड। इट इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इन मल्टी मीडिया इट इज़ यूज टू मेक द इन्फॉर्मेशन मोर प्रेजेंटेबल एंड इट सेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। तो वीडियो आपको पता है क्या होती है, एक ऐसी चीज़ जिसमें मतलब मूविंग पिक्चर और साउंड और मूवी सॉरी साउंड और इमेजेस दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऑडियो और टेक्स्ट तो था ही, लेकिन वीडियो से हम और अच्छे तरीके से अपनी बातों को समझा सकते हैं। जैसे हम लोग आजकल आपको वीडियो बना के भेजते हैं तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आता होगा। वीडियो में क्या है, आप उसको दोबारा देख सकते हो और वो और अच्छा बनाती है आपकी चीज़ों को समझने में, एक दूसरे तक अपनी बातें पहुँचाने में। देखते हैं लोग ज़्यादातर फ़ोन कॉल करने से अच्छा वीडियो कॉल पर बात करना ज़्यादा सही समझते हैं, तो उसमें आपका टाइम भी बचता है और आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। लास्ट है आपका एनिमेशन। इन कंप्यूटर एनिमेशन इट यूज टू मेक द चेंज टू द इमेज सो दैट द सीक्वेंस ऑफ द इमेज अपेयर टू बी मूविंग पिक्चर। एन एनिमेटेड सीक्वेंस शो अ नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ मोशन इन द यूजर्स आइज। एनिमेशन क्या होते हैं, जैसे आपने कोई वीडियो देखी हो, जैसे हम लोग शादी की वीडियोज या आजकल जो लोग एडिटिंग करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस बनता है कि एक के बाद एक फोटोज अपने आप आती जाती हैं और हर थोड़े सेकंड के बाद वो फ्रेम चेंज हो जाता है और उसका इफेक्ट और अच्छा आने लग जाता है। तो ये था मल्टीमीडिया कि मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब इसका जो काम है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो वो आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, बाय।